आज हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले हैं, जो टर्म वन जो होने वाला है, उसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैं टोटल 5 स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा। 5वीं स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आपको बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर लें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो ये टोटली आपका कॉल होगा कि इसको फॉलो करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो है कि आपका जो भी टेक्स्ट बुक है, जो एनसीईआरटी का जो बुक है आपके पास, आप उसको थॉरली रीड करना शुरू कर दीजिए। और रीड करते टाइम दो तरीके की आप जो स्केच वाली पेंसिल नहीं होती है, वो जरूर रखिए अपने पास। मैं क्या करता था, मैं आपको वही बता रहा हूं। जब भी मैं एनसीईआरटी बुक को थॉरली रीड करता था तो मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का अगर कुछ लगता था तो मैं उसको रेड वाले स्केच से अंडरलाइन कर देता था, और जो उससे कम इंपॉर्टेंट टाइप का थोड़ा बहुत जो लगता था कि हाँ एक बार पढ़ लेना चाहिए, उसको मैं येलो कलर के स्केच से मैं उसको अंडरलाइन कर देता था। इससे फायदा क्या होता है कि जब आप रिवीजन करने जाते हैं तो सिर्फ अगर वो उन दोनों चीजों को अगर आप ढंग से पढ़ाई कर ले तो पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाता है, तो रिवीजन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा प्रॉपर थॉरली स्टडी करके जाइएगा अपने टेक्स्ट बुक को। दूसरी चीज देखिए, जब हम पढ़ाई करते थे उस समय क्या होता था कि थ्योरम वगैरह आता था, कुछ प्रूव करने आ गया, है ना। मुझे याद है कि जब हम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे तो लास्ट में बोर्ड का एग्जाम देना होता था, हमने पहले तो कुछ प्रिपरेशन हमने किया नहीं था, तो वो जो 20-25-30 दिन जो हमने तैयारी की थी ट्वेल्थ की, उसमें हमारा 50% जो टाइम है इन्हीं थ्योरम्स को रटने में, प्रूफ्स को रटने में, डेरिवेशंस को रटने में चला गया था। वो आपको नहीं करना है, वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, थोड़ा बेसिक समझ लीजिए आप कि हाँ ये प्रूफ कैसे होता है, कैसे ड्राइव हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तीसरी चीज देखिए, आपके जो बोर्ड के जो रिजल्ट्स आते हैं वो सिर्फ मैथ्स और साइंस के मार्क्स से रिजल्ट नहीं आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि ज्यादातर टाइम वो मैथ्स साइंस में चला जाता है, उनका एसएसटी पीछे छूट जाता है, उनका बाकी जो और सब्जेक्ट है इंग्लिश हिंदी सब पीछे छूट जाता है, और इधर तो बड़ा अच्छा स्कोर कर जाता है लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, जिससे उनका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो खराब हो जाता है। तो आप इसके लिए मैथ्स और साइंस के लिए तो टाइम निकाले ही निकाले, साथ ही साथ आपका और जो सब्जेक्ट है उसको भी आप एक प्रॉपर टाइम दे रहे हो, अपना टाइम मैनेज कीजिए। मैं आपको एक लड़के को मैं जानता हूं, उसकी स्ट्रैटेजी मैं बताता हूं। वो क्या करता था, जब स्कूल में जाता था तो जो क्लास का जो लीजर पीरियड होता था, मान लो कोई क्लास टीचर लेट से आ रहे हैं, फिर कोई क्लास नहीं हो रहा है, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, कोई कुछ खेल रहा है, उस समय वो एसएसटी की रिवीजन कर रहा होता था, एसएसटी का प्रैक्टिस सेट। उस समय अरिहंत आता था हमारे टाइम, तो वो एक क्वेश्चंस का पूरा सेट होता था, उसको वो रिवाइज कर रहा होता था, पढ़ रहा होता था। और मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं कि उनको एसएसटी ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उन्होंने उस लीजर पीरियड में अपने पूरे एसएसटी को खत्म किया था। तो आप भी एक स्टूडेंट के रूप में टाइम स्टीलर बन जाइए, जहां मिलता है मौका, जब मिलता है मौका, इन सारे सब्जेक्ट्स को फॉलो करना शुरू कीजिए। कभी ग्रामर पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, बाकी जो टाइम बचा उसमें मैथ साइंस पढ़ लिया, तो इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करके चलिए, क्योंकि आपका जो मार्क्स आने वाला है ओवरऑल मार्क्स, वो सारे सब्जेक्ट्स को मिला के आने वाला है, यहां पर गलती मत कीजिएगा। चौथी स्ट्रैटेजी क्या है कि सेल्फ स्टडी के पावर को आप समझिए। आप स्कूल जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कोचिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी अगर आप 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आप बोर्ड में बहुत अच्छा हो सकता है कि ना कर पाए। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि अब आपके बोर्ड में सिर्फ 60-70 डेज बचे हैं, और उन 60-70 दिनों में आपको पढ़ना भी है, रिविजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो आप स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आप 4-5-6 घंटा सेल्फ स्टडी पे नहीं दे रहे हैं तो गुंजाइश है कि आप बहुत अच्छा ना कर पाए। पांचवी स्ट्रैटेजी क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको समझ गए, इसको प्रैक्टिस कर लिया, आप बोर्ड को यूं निकाल के ले जाएंगे। सबसे पहली चीज ध्यान देना है कि बोर्ड ने सैंपल पेपर क्वेश्चंस आपके लिए पब्लिश कर दिए हैं, उससे आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, है ना, क्या पैटर्न होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो सैंपल पेपर का आपको क्या करना है कि जेरॉक्स कॉपी निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास रख लेना है और उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। उसके बाद देखिए, ये जो बोर्ड एग्जाम है ना, ये सब्जेक्टिव टाइप तो रहा नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे तो आपको कुछ मार्किंग स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, नहीं, यहां पे वही बच्चे टॉप करेंगे, वही बच्चे बहुत अच्छा करेंगे जिनकी प्रैक्टिस बहुत दमदार होगी। आप बोलेंगे भैया कि आप प्रैक्टिस हम कहां से करें, क्योंकि हमारे बुक्स में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत कम है,
और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है सबसे पहले वो कीजिए, दूसरा प्रैक्टिस सेट को तुरंत फटाफट बना के खत्म कीजिए, तीसरी चीज और इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, आप जो भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं या फिर जो भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर आप हर एक टॉपिक से 21-21 क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो लगभग हर वो पॉसिबल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं 21-30 हर एक टॉपिक से। मान लो ट्रिगोनोमेट्री का कोई पार्ट पढ़ रहे हैं उसे 21-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आप पूछेंगे भैया कहां से हम सॉल्व करें उस क्वेश्चन को, तो मैं आपको एक बुक बताता हूं, ओसवाल की एक बुक आती है जिसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, वहां से आप ऑर्डर कर लीजिए। आप चाहें आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस बुक का लिंक भी दे देता हूं, आप यहां से भी खरीद सकते हैं, आप अपने आस पड़ोस की दुकान से भी खरीद सकते हैं, मेरा इसमें कोई फायदा और नुकसान है नहीं, आप जहां से मर्जी खरीद लीजिए लेकिन खरीदिए जरूर। आप इस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए, लेकिन कब, अपने एनसीईआरटी और इस सैंपल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, और 21-30 क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिएगा, उतने ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा जिसको आप रिविजन कर पाए, क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि हर वो पढ़ाई बेकार है जिसकी रिवीजन नहीं हो सकती। आप एग्जाम के टाइम, मान लो कि आपने इन दिनों बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन एग्जाम के टाइम पे अगर आप उन क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं कर पाए तो ज्यादातर चांसेस ये हैं कि आप कुछ गलती करके आ सकते हैं। तो फटाफट इस सैंपल पेपर को, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को और ओसवाल बुक के जो कुछ सैंपल पेपर्स हैं वहां से आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हर एक टॉपिक से 21-30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप इतना कॉन्फिडेंस तो आप में होता है कि भैया इस बार हम बहुत अच्छा करके आने वाले हैं बोर्ड में। अब मेरा एक लास्ट सलाह है आपको, आपने बहुत खेल कर लिया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, इधर उधर पबजी खेल लिया आपने, बाबू सोना बहुत कर लिया, अब टाइम है थोड़ा सीरियस हो जाने का यार, क्योंकि आपका अभी नवंबर में एग्जाम होने वाला है, सितंबर ऑलरेडी चल रहा है, ये सितंबर आप जब वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है 7-8 सितंबर हो जाए, तो आपके पास सितंबर और अक्टूबर मेरे ख्याल से 60-65 दिन आपके पास बचा है, और ये 60-65 दिन अगर आपने मन लगा के नहीं पढ़ा तो आप अपना बोर्ड खराब कर लेंगे। और ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि दो टर्म में एग्जाम होने वाला, फाइनल एग्जाम करके कोई एग्जाम नहीं होने वाला कि हाँ उस एग्जाम में अच्छा कर लिया हमने तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अगर नवंबर में बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो चाहे अप्रैल में आप कितना भी अच्छा कर पाए, एक एवरेज मार्किंग मिल जाएगी आपको, एक एवरेज रिजल्ट आ रहा होगा। अगर बोर्ड में बहुत अच्छा करना है तो नवंबर के एग्जाम में भी अच्छा करना होगा और अप्रैल के एग्जाम में भी अच्छा करना होगा, तो सीरियस हो जाइए आप थोड़ा सा, है ना, 7 घंटे सोइए, उसके बाद आपके पास 24 घंटे में 7 घंटा सोने के बाद जो भी टाइम बचता है वो आप इन्हीं तरह की एक्टिविटीज में डालिए। थोड़ा बहुत टाइम बचता है, SST पढ़ लिया, बस से अगर आते हैं स्कूल से आप, वहां पे क्या कीजिए, कुछ ग्रामर का पार्ट देख लिया, वो लेटर वेटर वाला पार्ट नहीं होता, एक्टिव पैसिव वॉइस जो भी सारी चीजें जो आती हैं वो पार्ट देख लिया, ऐसे टाइम स्टील कीजिए, पढ़िए एंड फटे चाक दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गो एंड गेट टू।